हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं इस तरह का वाटरमेलन जूस जो कि गर्मियों में आपको ठंडक देगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक छोटा सा नारियल लिया है मैंने, तो उसे मैं छोटा छोटा काट लूँगी और काट कर इसे मैं मिक्सी जार में एक ग्लास पानी डालकर इसे बहुत ही बारीक पीसूँगी और इसका दूध निकालूँगी। तो मैं अभी पीस कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, नारियल का दूध मैंने निकाल लिया है एक गिलास पानी डालकर। उसे एक बर्तन में छन्नी लगाकर रख दिया है। अब सारा दूध हमारा नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये नारियल का दूध हमारा मिल चुका है। तो इस जिस मिश्रण को मैंने पीसा है, इसे मैं वापस मिक्सी जार में डालूंगी और वापस एक गिलास पानी डालूंगी और मैं वापस पीस कर इसी तरह मैं 3 बार करूंगी। तो एक बार मैंने कर लिया है, 2 बार और मैं इसी तरह से नारियल का दूध निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हम वाटरमेलन का जूस बनाने जा रहे हैं जो कि हम नारियल के दूध से बनाएंगे, क्योंकि उसमें एनिमल दूध बिल्कुल भी नहीं जाता है। जिस तरह से दूध और दही को साथ में नहीं यूज़ करते हैं, उसी तरह एनिमल का कोई भी मिल्क वाटरमेलन के साथ में नहीं जाता है। तो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें जो मार्केट में हमें पीने के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए मैं नारियल का दूध यूज़ कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और पीने में भी एकदम ठंडक पहुँचता है। नारियल का दूध भी हम गर्मी में अगर पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोकम का सोल कड़ी हुआ या नारियल का किसी भी तरह चटनी वगैरह खाते हैं, तो हमारे जो शरीर में गर्मी होती है, जैसे कि घमोरियाँ होती है और भी कोई बीमारी होती है, तो उससे वो बचाता है हमें। तो इसलिए मैं प्लीज़ बोलूँगी आप लोगों को कि कृपया करके आप बाहर का जो नॉर्मल अमूल का दूध डायरेक्ट वाटरमेलन के जूस में डाला जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसे ना पिए। वो बहुत ही गंदा रिएक्ट कर रहा है हमारे बॉडी के साथ में। तो वाटरमेलन को मैं काट लूँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ वाटरमेलन को किस तरह से खरीदें। ये देखिए, पहले तो बहुत अच्छा रंग होना चाहिए इसका, और इसे हम ना इस तरह से जब बजाते हैं ना, ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है इसके पेट में बहुत ही जूस है, पानी भरा हुआ है। ये देखिए, कहीं से भी खोखला आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये वाटरमेलन हमारा बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैं काट लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लाल रंग का हमारा वाटरमेलन है। तो मैं इसी तरह से खरीद कर लाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही एकदम डार्क ग्रीन कलर है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक को हम साइड रखेंगे, एक का ही जूस बनाना है। तो इस तरह से हमें नीचे से बेस बना देना है, इस तरह से हल्के हाथ से काटे कि नीचे का जो पार्ट है वो बाहर ना निकल आए। अगर हम इसके अंदर जूस भी बनाकर पी रहे हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से पार्ट काटा हुआ है, बाकी का ऐसे ही रखा हुआ है कि जैसे हम इसमें इस तरह से रखें तो ये हिलना नहीं चाहिए। अब एक तेज चाकू से लेके छुरी लिया है मैंने, उसे हम इस तरह से बारीक बारीक चीरा बनाएंगे। आप इसे काट कर मिक्सी जार में पीस कर या हल्के मोड पर भी आप पीस सकते हैं हल्का सा और सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वाटरमेलन का जो मैं जूस बनाऊँ तो मैं इसी में सर्व करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियात बरत रही हूँ कि मेरा ये वाटरमेलन का जो ये वाला पार्ट है ख़राब नहीं होवे। इसलिए वाटरमेलन के गुदे को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालेंगे। छः चम्मच मैंने शक्कर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाकर फ्रिज में चाहे तो ठंडा कर सकते हैं, और जब मेहमान आए तो सारे सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ही अच्छा टेस्टी वाटरमेलन जूस रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से असेंबल करेंगे सारे सामान को इकट्ठा करके। तो एक बड़ा सा हम बोल लेंगे
और उसमें हम सारी सामग्रियों को एक एक करके डालेंगे। आप चाहे तो सारे बीजों को निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर खा लेते हैं, अगर मुंह में जाता है तो ये फायदा ही करता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता। तो हो सके तो नहीं निकाले, वो चबा कर खा ले। अब इसमें मैंने जो नारियल का दूध बनाया था उसे हम डाल देंगे। और इसे हम मिक्स करेंगे। अभी मैंने शक्कर को टेस्ट किया तो इसमें शक्कर परफेक्ट है और नारियल का दूध का बहुत ही माइल्ड टेस्ट आ रहा है। और जो हमने तरबूज काट कर डाले हैं वाटरमेलन, वो भी हमारा मीठा है। तो बहुत ही कम मात्रा में हम इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे। रूह अफ़ज़ा और वाटरमेलन का जो टेस्ट है वो बहुत ही यूनिक है। इसे आप डालिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये। तो इसमें मैं टेस्ट और कलर के लिए डाल दूँगी, बस इतना काफ़ी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर आप सर्व कीजिए। वाटरमेलन का जूस हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए ये जूस आपको कैसा लगा। तो यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।